सब्सक्राइब कीजिए कोलकाता सिटी एक्सप्लोर एवरीथिंग को और क्लिक कीजिए इस बेल के आइकन पर हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कोलकाता सिटी एक्सप्लोर एवरीथिंग। और आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, ये VR Synchron। जी हाँ, आपको मैं VR Synchron के बारे में बताऊंगा। ये मैंने eBay से ऑर्डर किया है, ये मुझे कुछ 480 रुपीज़ का आया है, बिकॉज मैंने इस पर कूपन कोड लगाया था। तो ये आप देख सकते हो, ओरिजिनल VR Synchron है। सो इसको भी आपको अगर लेना चाहते हो तो आप डिफरेंट साइट पे डिफरेंट प्राइस में मिलेगा। आप eBay में भी देख सकते हो, Flipkart में भी देख सकते हो, Paytm में भी देख सकते हो, या फिर Amazon में भी देख सकते हो। तो आपको अगर चाहिए तो आप डिफरेंट प्लेसेस में जाके डिफरेंट प्राइजेस में ये आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। सो ये है प्रोडक्ट जो मैंने eBay से ऑर्डर किया है और इसको करूंगा अब मैं अनबॉक्सिंग। इन्होंने काफ़ी अच्छे से पैकेट करके मुझे भेजा है। मैंने इसको 1 तारीख को ऑर्डर किया था और 4 तारीख को मिल गया। आप देख सकते हो DTDC से आया है, काफ़ी फास्ट डिलीवरी किया है। इसके लिए तो मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा पहले। तो इसको पहले हम खोलते हैं। हो गया ओपन, जैसे कि आप लिखा हुआ देख सकते हो, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है VR Synchron। अब इसको करते हैं अनबॉक्स, इसके अंदर देखते हैं क्या सामान है और कैसा है। ये सील किया हुआ है, इसको काटते हैं। सो पहले तो हमें मिलता है जहाँ से हमने ये प्रोडक्ट लिया है उनका एक रिसीप्ट, इस पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनके फीडबैक डिटेल्स लिखे हुए हैं। इसको साइड में करते, अब निकालते इसके अंदर क्या क्या है। एडजस्टमेंट के लिए एक, और ये लेंसेज साफ करने के लिए, और है गाइड बुक जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस गाइड बुक के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको। इधर देख सकते हो आप स्किन, ये स्क्रीन है 3.5 से लेके 6 इंच तक स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो इस VR पर। उसके बाद ये आप चलती ट्रेन में, बस में यूज़ कर सकते हो। और इस पेज पे लिखा हुआ है कि पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उस ऐप के बाद वो ऐप आपको वीडियो को डबल राइट एंड लेफ़्ट में कर देगा, उसके बाद आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। सारी डिटेल लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है 30 मिनट से ज़्यादा इसको यूज़ ना करें। तो हम लोग इसको साइड में रख के करते VR को ओपन। मैंने इसके साथ एक रिमोट भी ऑर्डर किया था जो ब्लूटूथ रिमोट है, तो ये भी इसके अंदर ही है। रिमोट को हम लोग रखते हैं साइड में। इसका जो कुशन है आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट है और इसको यूज़ करने में काफ़ी हैवी भी है, थोड़ा सा हैवी भी है, लेकिन इसके लेंसेस काफ़ी अच्छे हैं। और इसके जो सामने वाला हिस्सा है ये मैग्नेटिक है, तो इसको आराम से आप निकाल सकते हो और लगा सकते हो, बहुत इजीली इसको ओपन एंड ज्वाइन कर सकते हो। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर कैसा है। खोलते ही पहले लेंस दिखेंगे और इसके जो फ़ोन रखने की जगह है ये आप अपने हिसाब से, अपने फ़ोन के साइज के हिसाब से इसको ढाल सकते हो आप। मैं अपना फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन लगाया इस पर। अब देखते हैं, यूज़ फ़ोन लगाने के बाद काफ़ी हैवी हो गया है ये। अगर आप यूज़ करोगे तो सर को आगे पीछे मूव करने में आपको काफ़ी दिक्कत हो गई। तो फ़ोन को हम निकाल देते हैं और देखते हैं इसके अंदर की चीज़। आप देख सकते हो जैसे कि इसके अंदर काफ़ी खाली है, सिर्फ लेंसेस के अलावा और कुछ नहीं है। ओके, ये स्विच, अब बात करते हैं स्विच की। इससे आपका फ़ायदा क्या है कि अगर स्विच आपको आँखें छोटी है या फिर बड़ी है, नोज से काफ़ी दूर है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसको घुमा के आप छोटे या बड़े कर सकते हो बहुत इजीली। अब
बात करते हैं साइड वाली स्विच की। जो साइड वाले स्विच है इसको घुमाने से आपको दिख रहा होगा सामने ये स्किन जा रही है। इसका मतलब आप अगर पहन के इनको स्किन को थोड़ा सा दूर और पास करना चाहते हो तो आराम से इससे कर सकते हो। काफ़ी अच्छे लेंसेज दिखने में लग रहा है। अब हमें यूज़ करके पता लगेगा कि कैसा लेंसेज है। अब बात करते हैं हम इसके वेलक्रो की। इसकी वेलक्रो तो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इजीली इसको हम चिपका सकते हैं, अपने सर के हिसाब से इसको ढाल भी सकते हैं। तो अगर आपका सर छोटा हुआ तो आप इसको टाइट कर सकते हो, अगर आपका सर बड़ा हुआ तो इसको ओपन करके आप अपने हेड पे लगा सकते हो। इधर आप साइड पे देख सकते हो लिखा है VR SignCon। इनका कुशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी वजह से आपकी आंखों में कोई तकलीफ नहीं होगी। हम लोग लेंस गार्ड निकाल देते हैं। इधर आप देख सकते हो आपके नोज़ की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी कटिंग दिया हुआ है, तो इस पे आपके नोज़ नहीं अटकेंगे और आप कंफर्टेबली इसको एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। अब रखते हैं इसको साइड में और बात करते हैं इसके रिमोट की। सो इसका रिमोट जो है ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है, तो अपने आप इसको अपने फ़ोन में ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इजीली यूज़ कर सकते हो। इसके पीछे बैटरी लगता है, दो स्मॉल बैटरी जो इसके अंदर नहीं है, तो बैटरी लगाना है आपको और बस ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इसके आराम से यूज़ कर सकते हो। और ये काफ़ी हल्का भी है, तो बस आगे मैं दिखाता हूँ आपको पहन के ये कैसा यूज़ होता है और कैसा नहीं। डाउनलोड करना पड़ेगा फूड ड्राइव VR, आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ये फोन ओपन करना है, स्किप या फिर आप फेसबुक से भी इसको साइन इन कर सकते हो। आपको स्किप करना है, आपको दिख रहा होगा वो डबल स्किप में डिवाइड हो गया है मेरा फ़ोन। अब मैं इसको अपने VR पे लगाऊंगा और बस इसको बंद करूंगा और पहनना है। मैंने इसको अमेजोन में भी 8 क्यों डिफरेंट प्लेस डिफरेंट। आपको अगर कूपन कोड चाहिए तो मुझे तो आपको डिफरेंट साइट पे डिफरेंट प्राइस में मिलेगा। सो देखते हैं इसको यूज़ करके कैसे। पहले VR फुल ड्राइव VR डाउनलोड कर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको यूज़ करने से पहले इसको यूज़ करने के लिए आपको ये वाले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा।